भक्तों की घर भी माँ मेरी आती रहा करो, दर्शन की नैना बाबरी हो माँ दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बाबरी। कुछ ना घटेगा आपका जरा कर तो देखिए, पलके बिछाई राह में दाती तेरे लिए, पलके बिछाई राह में दाती तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा माँ इसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा हो माँ इसमें रहा करो। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज बहुत अच्छे होंगे। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा भजन सुनाया था आपको, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि दीदी भजन भी आप सुनाया करिए या कोई भी सॉन्ग सुनाया करिए। तो बस यहाँ पे सुबह का ही टाइम है बिल्कुल, और मतलब झाड़ू पोछा ऊपर हो चुका है, नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं गेहूँ, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है तो गेहूँ साफ़ कर रहे हैं मैं और मम्मी मिल करके। मुझे ना बताइए, आपको फटकना नहीं आता, जो सूप से फटकते हैं ना, तो वो मम्मी का हेल्प ज़रूर लेना होता है। मम्मी फटकती हैं और मैं साफ़ करती जाती, तो गेहूँ वगैरह होने के बाद यहाँ पे फिर आपको पता है काम बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे घूंघट किए हूँ, घूंघट क्योंकि मैं करती हूँ, पापा हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने घूंघट भी कर रखा है। अब बस मैं यहाँ की घर की क्लीनिंग करूँगी। और मैं आज आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत 3-4 ही कमेंट आए थे, खैर बहुत नहीं, लेकिन हाँ 3-4 कमेंट मुझे आए थे कि आप की आजकल सासू माँ वीडियो में नहीं दिखती हैं, क्यों नहीं दिखती हैं, क्या बात है, क्या रीज़न है आया था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा क्या आप, एक्चुअली ऐसा था, देखो आपको तो पता ही है पापा की तबीयत ख़राब थी, और ऐसा है कि भाई मम्मी रहती हैं ज़्यादातर नीचे और किचन मेरा ऊपर है, मेरा जो वीडियो होता है ज़्यादातर ऊपर ही सूट होता है, क्योंकि पापा की पता है मैं आपको पर्दा करती हूँ, और पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मम्मी पापा के साथ ही अक्सर ज़्यादातर रहती हैं, उनको दवाई वगैरह देना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उस वजह से मम्मी जो है पापा के पास ही ज़्यादातर रहती हैं और मेरे ऊपर ही ज़्यादातर मतलब वीडियो का रहता है, इस वजह से मम्मी नहीं दिखाई देती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी सासू माँ से कोई भाई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, होता होगा मैं मानती हूँ, भाऊ सास बहू में हर घर में होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता, हम लोगों में कभी नहीं होता है, क्योंकि भाई देखो ना तो मैं ही कोई ऐसा मौका देती हूँ, ना ही वही उनको भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। और ऐसी बात भी नहीं है कि भाई मायका ससुराल जो है मायका नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है भाई, अपना भी हम फर्ज निभाएं, ऐसा ही नहीं कि भाई हमें ही अपना फ़र्ज निभाना है, दोनों तरफ से होता है, ससुराल की तरफ से भी, सास की तरफ से भी और बहू की तरफ से भी। तो बस जो काम होते हैं भाई ऐसे कि जिनकी भी मम्मी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो काम तो भाई मम्मी से मैं करवाती हूँ। अब जैसे गेहूँ फटकना नहीं आता तो वो तो मैं करवाती मुझसे नहीं होता है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करके घर की अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, डस्टिंग तो मैंने कर दी है, और पापा अंदर थे, अंदर का रूम मैंने पहले कर दिया था और बाकी खिड़की वगैरह बंद कर दी थी, क्योंकि फिर पापा को दिक्कत होती है ना, ज़्यादातर पापा बाहर रहते हैं बरांडे के बेड पे, इस पर तो आज मेरे मतलब पापा अंदर चले गए थे, क्योंकि हम लोग कर रहे थे साफ़ सफ़ाई, तो अंदर का कमरा मैंने पहले कर दिया था और बाहर का ये सब रह गया है। अभी इसके बाद फिर मुझे पोछा लगाना है और धुलना भी है, ये पता है आपको कि डेली की डेली में आंगन और जो अपना गेट वगैरह है, गैलरी वगैरह, ये डेली की डेली धुलती हूँ, तो डिटेल में आपके साथ क्लीनिंग नहीं शेयर कर पाऊँगी, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे ना ये डस्टिंग से एलर्जी होती है, आपको पता है बार बार मैं नाक को ऐसे रगड़ रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग से मुझे होती है बहुत ज़्यादा एलर्जी इस वजह से। तो बस उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी यूनिक सी रेसिपी, यानी दही भल्ले। ये दही बड़े हैं आलू से बनाए हैं मैंने, और कैसे बनाए हैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलो देख लेते हैं कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, मतलब मैं नहा धो करके आ गई हूँ, अपना नहा के पूजा पाठ करके सब कुछ हो गया है, तो मैंने कहा पहले ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी खाना होगा वो बना लेंगे, ये भी नाश्ते में भी हो जाएंगे। तो मैंने 2 आलू ले लिए हैं, इनको मैं छील लूँगी, ये आलू बॉयल हैं, तो बॉयल आलू लेने हैं, थोड़ा सा ठंडा करके लें आलू को, आलू गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही रखें। तो यहाँ पे आलूओं को मैं छील लूँगी और इनको मुझे मैश करना है, तो चाहे आप जो वो होता है ना कसने वाला उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप
हाथ से कर लीजिए, हाथ से भी हो जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें उसी से करें आप, कसने वाले से आप हाथ से भी फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आलूओं को अच्छे से मैश करूँगी, बिल्कुल जो गुठली वगैरह ज़्यादा न रहें। और आप देख रहे होंगे ना क्या बोल रही थी मैं तो भूल जाती हूँ बातें करते करते। तो बस यहाँ पे मेरे आलू जो है मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ इसमें सामान ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे क्या क्या ऐड करना है। तो ये देखिए आलू को अच्छे से हमने मैश कर लिया है और मेरी स्लिप बिल्कुल साफ़ है। आप सोच रहे होंगे बार बार उठा रही हूँ तो स्लिप साफ़ है बिल्कुल। तो यहाँ पे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब सिंघाड़े का आटा। आप इस जगह पे कूटू का आटा भी ले सकते हैं, ये मैंने सिंघाड़े का आटा लिया, सिर्फ 2 चम्मच लिया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ये ऐड कर देंगे। और करेंगे इसमें काली मिर्ची ऐड, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रखना, कम ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं। मैंने हरी मिर्च डाली है तो थोड़ा काली मिर्च कम डाली है। और डाल देंगे यहाँ पे व्रत वाला सेंधा नमक, ये डाल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने सिंघाड़े का आटा सिर्फ 2 चम्मच लिया था। और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा। तो ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो जैसा बना लेंगे अच्छे से मिक्स करके। और ये दही बड़े यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। आप जो खा खा के बोर हो जाते हैं ना कि हम क्या मतलब खिचड़ी वगैरह ही खाते रहते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि नुकसान भी करेगा। कूटू का आटा फिर भी एक गर्म रहता है, सिंघाड़े का आटा आप डालें सिंघाड़े का आटा ठंडा होता है, यानी सिंघाड़े की जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है, तो इसलिए सिंघाड़े का आटा लें। तो बस यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने एक डो जैसा बना लिया है इसका। और अब हम आगे प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ कढ़ाई भी चढ़ा दी है, या पता नहीं क्या हो गया था लाइटर में, बार बार मैं जला रही थी, गैस जली नहीं थी लेकिन अब की बार जल गई थी, मैंने पोंछ लिया था उसको। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को हमने मतलब कढ़ाई रख दी है, इधर तेल भी गर्म होता जाएगा। इधर एक छोटी सी हम पेड़ा लेंगे इसका और हल्का सा गोल करेंगे और इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, यानी बड़े का आकार दे देंगे, जो बड़ा बनता है ना उस तरीके से। ये देखिए हमने इस तरीके से कर लिया है और ये बहुत आसान है बनाना, तो आप इसको तकते जाइए। अगर जैसे लग रहा है कि आपके चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा हाथ पे ऑयल वगैरह लगा लें तो उसे चिपकेंगे नहीं, वैसे चिपकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं ये। तो यहाँ देखिए मैंने बना लिए हैं, अभी 4 बनाए हैं, बाकी अभी 2-3 और रह गए, मैं उनको बाद में बना लूँगी। तो पहले यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और गैस के फ्लेम को आप मीडियम ही रखें और ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, कम गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर कम गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो ये खिलने का डर रहता है, यानी फटने का डर रहता है। इस वजह से ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और गैस के फ्लेम को मीडियम रख लें। तो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिए हैं, बाकी भी और बना के मैं डाल देती हूँ क्योंकि एक साथ ही आ जाएंगे, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, यानी 2 आलूओं में से मेरे 7 बन गए थे। तो लास्ट वाला जो था बड़ा हो गया था, मैंने कहा चलो ऐसे ही करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम बना करके और डाल देंगे और इनको अभी एकदम से नहीं पलटना है, ये आप ध्यान रखें खास, एकदम से नहीं पलटें डालते, लगभग आपको लगे ना थोड़ा सा नीचे सिकने लगा है 1 मिनट के करीब, तब इसको आप पलटें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप तुरंत पलटने लग जाएं तो ये चिपक जाएं। वैसे चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, आप टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस इनको मैंने ऐसे करके पलट दिया है और उनको दोनों तरफ से सेकूँगी। तो ये देखिए मैंने बाकी के जो थे वो भी बना के डाल दिए हैं इसी में, 8 बन गए थे, मैं 7 बोल रही थी जब से, 8 बन गए थे। तो बस इनको मैं उलट पुलट करके और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक, तब तक हमें सेकना है और अंदर से भी सेक जाएंगे ये, यकीन मानिए आप इनको ना ऐसे भी खा सकते हैं बिना दही के, यानी मतलब दही बड़े बना के न खाएँ, ऐसे भी खाएँ तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो बस यहाँ पे हमको इन्हें उलट पलट करके सेक लेना है। गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे अब इस जगह पे, मीडियम से भी थोड़ा सा कम, जिससे कि अंदर तक ही अच्छे से सेक जाएँ। बस ये देखिए सेक चुके हैं, कलर कितना अच्छा सा आया है इनका। तो यहाँ पे इनको निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। और एक चीज़ और है इसमें, बहुत मतलब इसमें ना ऑयल बहुत कम जाता है, ऐसा नहीं कि ऑयल सोखते हों इसमें ऑयल भर जाता हो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए सीख चुके हैं, अब हम इनको और आगे तैयारी करते हैं, आगे हमें क्या करना है ये करते हैं। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, ये दही को फेंट लिया था मैंने, अब मैं इसको दही मतलब इनको दही में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 डाले हैं, ये 3 मैंने ऐसे ही रख लिए हैं ऐसे ही खाने के लिए। तो दही में डाल करके इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ये जब तक थोड़े से फूल न जाए यानी दही को सोख लेंगे अच्छे से, तब तक हम इनको रखना है। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से सोख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 5 मिनट बाद में इसको मतलब सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम इनको सर्व करते हैं, निकाल लिया इनको दही में से इस तरीके से, ये देखिए। और ऊपर से दही हम थोड़ा सा और डाल देंगे इसके ऊपर, और बहुत सॉफ्ट भी हो गए थे ये, बहुत अच्छे से हो गए थे। दही डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा और कुछ मतलब डालेंगे सामान जो दही बड़े में डलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेंधा वाला नमक लिया है व्रत वाला, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे काली मिर्च भी ऐड करूँगी हल्की सी थोड़ा सा, जिससे टेस्टी भी लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। अब यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा ले लिया है, ये मैंने अलग से भुना था जीरा व्रत के लिए ही, तो वो ले लिया है, उसको पीस लिया था, वो डाल दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हरा धनिया की पत्ती हम डाल देंगे। तो लीजिए तैयार हैं अब ये खाने के लिए, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बताना कैसे बने हैं। और ये देखिए लग रहे हैं ना कितना मतलब देखते ही खाने का मन कर रहा है, बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं ये, ज़रूर ट्राई करना। तो मुझे ज़रूर बताना कैसे बने हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल नए से ब्लॉग नई सी वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना है ना, और घंटी के निशान को ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।